कृषि क्षेत्र में समय समय पर आने वाली नई तकनीकों के बारे में किसानों को जागरूक करने के लिए घुमारवी विधानसभा क्षेत्र के भराड़ी में किसान मेले का आयोजन किया गया। किसान मेले का शुभारंभ नगर नियोजन आवास एवं व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने किया। किसान मेले में किसानों को कृषि के क्षेत्र में विकसित की गई आधुनिक तकनीकों व परंपरागत खेतीबाड़ी के बारे में जागरूक किया गया। किसानों ने कृषि क्षेत्र में नई तकनीक के साथ खेतीबाड़ी करने के तरीके भी सीखे। किसानों बागवानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, आधुनिक तकनीक व परंपरागत खेतीबाड़ी करने से किसान अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को लाभान्वित करने के लिए अधिकारी फील्ड में जाकर उनकी समस्याओं को सुने और उनका समाधान करने के लिए हर संभव प्रयास करें। इसके साथ ही अधिकारियों को जागरूकता शिविर करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कृषि को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा अनेकों योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की इन योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि फील्ड में जाएं और किसानों से संपर्क साधें ताकि वैज्ञानिकों और किसानों के बीच की दूरी को कम किया जा सके, जिससे किसानों को खेतीबाड़ी के बारे में आवश्यक मार्गदर्शन मिल सके। उन्होंने कहा कि वर्तमान में इंटरनेट के माध्यम से भी कृषि के संबंध में अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। यदि इन जानकारियों का सही तरीके से खेतीबाड़ी में उपयोग करें तो किसान लाभान्वित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का प्रयास है कि किसान समृद्ध बने, ग्रामीण व्यवस्था सुदृढ़ हो, जिसके लिए उन्होंने किसानों से किसान क्रेडिट कार्ड बनाने का आग्रह किया ताकि वे सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सकें। उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि वे बिना यूरिया के फसलों की पैदावार करें, इससे उन्हें रेट भी ज़्यादा मिलेगा। उन्होंने कहा कि पशुपालकों की आर्थिकी में सुधार हो, इसके लिए गाय और भैंस के दूध का न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया गया है और आने वाले समय में इस मूल्य से अधिक बढ़ोतरी की जाएगी। उन्होंने बताया कि कांगड़ा में 280 करोड़ की लागत से मिल्क प्लांट बनाया जा रहा है ताकि उपभोक्ताओं को उत्तम क्वालिटी का दूध उपलब्ध करवाया जा सके। इसके साथ ही हिम कृषि उन्नत योजना को भी लागू किया गया है। इसके माध्यम से क्लस्टर बनाए जाएंगे, आपसी तालमेल से भूमि प्रबंधन किया जाएगा, जिससे किसानों को लाभ होगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि गांव में सर्विस प्रोवाइडर तैयार किए जाएं, जिनके पास पावर ट्रिलर, स्प्रेयर, ट्रैक्टर की पूरी सुविधा हो। ऐसे ही पोस्ट हार्वेस्टिंग के लिए भी सर्विस प्रोवाइडर हों जो फल उत्पादन में जैम, सेवियां, जूस आदि तैयार कर सके। जिसका भी हमारी एक महिला साइंटिस्ट ने आपके सामने वर्णन किया, तो ऐसी गेहूं जो बिना खाद के बिना दवाई के तैयार की होगी, उसका आपको रेट मिलेगा 30 रुपए प्रति किलो, मतलब 3000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से सरकार जैविक गेहूँ को आपके साथ आपसे खरीदेगी। और जो जैविक खेती के माध्यम से आपने मक्की उगाई होगी बिना खाद के बिना पेस्टिसाइड के, तो ऐसी मक्की को 40 रुपए किलो के हिसाब से, मतलब 4000 रुपए क्विंटल के हिसाब से सरकार खरीदेगी। ऐसी योजना जो है हिमाचल सरकार ने बनाई। दूसरा, किसानों के फायदे के लिए, हालांकि जहां बड़े शहर हैं वहां पे इसका फायदा नहीं है, लेकिन गाय का दूध है उसको खरीदने के लिए भी न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है उसको घोषित किया है। 45 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से गाय का दूध खरीदेंगे और 55 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से भैंस का दूध खरीदने की भी हमने जो घोषणा की है, आने वाले समय में इसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले हम मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट लगा रहे हैं। अभी कांगड़ा में एक बहुत बड़ा प्लांट जो है दगवार जगह है, वहाँ पे 250 करोड़ का मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट लगा रहे हैं ताकि जो हमारा पशुपालक यहाँ दूध पैदा करता है उसकी बेहतर तरीके से उसका प्रसंस्करण हो सके और उसको प्रोसेस करने के बाद हम जो उपभोक्ता हैं उनको अच्छी क्वालिटी का दूध जो है वहाँ पर पहुँचा सकें। दही है या लस्सी आपको आपको पैक आजकल मिलती है, घी है, जो भी दूध से डेली प्रोडक्ट्स बनते हैं वो सारे के सारे वहाँ मिठाइयों सहित वहाँ पे बना के, ताकि आप दूध की वेस्टेज ना हो। अभी मिल्क फेडरेशन इसको काम को करता है लेकिन उसका दायरा जो है वो बढ़ा रहे हैं। तो ये